नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। साल 2020 कई मायनों में मनहूस साबित हो रहा है। साल की शुरुआत से ही कोरोना वायरस महामारी बनकर कहर बरपा रहा है। लोग इससे जुड़ी समस्याओं से लगातार जंग लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर बॉलीवुड को भी एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। पहले इरफान खान, फिर ऋषि कपूर और अब सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी मौत ने बॉलीवुड पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि सुशांत सिंह ने कोई सुसाइड नोट तो नहीं छोड़ा, लेकिन उनकी मौत की वजह बॉलीवुड में भाई भतीजावाद बताया जा रहा है। लोग लगातार सलमान खान और करण जौहर पर निशाना साध रहे हैं। कहा जा रहा है कि सलमान ने सुशांत को अपने प्रोडक्शन हाउस से बैन कर दिया था, जिसकी वजह से सुशांत काफी परेशान चल रहे थे। लोगों ने सलमान के साथ साथ अब शाहरुख और आमिर को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया है। ट्विटर पर लगातार #boycottkhan ट्रेंड कर रहा है। लोगों का कहना है कि बॉलीवुड के खान कलाकार के अलावा बाहर से आए नए टैलेंट को जगह नहीं मिलती है, जो कि मिलनी चाहिए। लोग ना सिर्फ इन्हें ट्रोल कर रहे हैं, बल्कि इनकी फिल्मों को भी बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच शाहरुख का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शाहिद कपूर शाहरुख से कहते हैं कि आजकल जिसे देखो हीरो बनने चला आता है। जिस तरह बाकी प्रोफेशंस में टेस्ट होता है पास या फेल के लिए, उसी तरह हमारी इंडस्ट्री में भी किसी तरह का एग्जाम होना चाहिए। हालांकि ये वीडियो साफ तौर पर एडिटेड दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मजाक में भी ऐसी बातें क्यों की गई। आप देख सकते हैं कि एक तरफ लोग बॉलीवुड की खान तिकड़ी को टारगेट करते हुए और उन्हें लतार लगा रहे हैं, जिसके चलते सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। कुछ वक्त पहले बिहार के एक वकील सुधीर ओझा ने सलमान भंसाली समेत 8 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं पटना शहर में लोगों ने करण जौहर और सलमान का पुतला तक फूंक डाला था। बहरहाल अब देखना यह होगा कि सुशांत सिंह की मौत के पीछे की असली वजह कब तक सामने आती है और लोगों का गुस्सा कब तक शांत होता है।